ये मूर्ति जो है हमारी टोटल गोबर से बनी हुई है, गाय के गोबर से बनी हुई है। इसको गोमय गणपति का नाम दिया है हमने, वैदिक गणपति का नाम दिया है। और इसका हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि पीओपी को छोड़ के मिट्टी के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन माटी के अंदर भी उसका कोई यूज़ नहीं है, पर्यावरण शुद्धि के लिए कोई उसका मैसेज नहीं है। लेकिन इस गोबर के जो मूर्ति है, इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हम पर्यावरण की शुद्धि कर सकते हैं। इससे हमारा जो मूर्ति है, हम अगर उसको विसर्जन करने के लिए तालाब में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही बाल्टी के अंदर टब के अंदर करके इसको विसर्जन करें, और इससे जो पानी आता है वो अपने पेड़ों पर छारों पर छोड़ पर डालें, तो वो एक आपका एक खाद भी बन जाएगी और उनको आशीर्वाद भी देगा। पहले ऐसा था कि ये जो मूर्ति थी पहले हमारी 1 फुट से लेके 10 फुट तक की बिकती थी, तो अब ये 1 फुट 6 इंची की मूर्ति है, 1 फुट की है, 1.5 फुट की है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं बिकती। और इस टाइम बाजार बिल्कुल जीरो है, कोई कष्ट ग्राहक नहीं है बाजार में। भैया मैंने तो सिर्फ मिट्टी की ले रहा हूँ, घर के लिए चाहिए, पर बस छोटी, कि अपना घर ही घर में विसर्जन हो रहा टब वगैरह के अंदर। कि बाहर का कोई लॉकडाउन का सीन था, अब तो कोरोना चल रहा है, इस चक्कर में बाहर जा नहीं सकते, इस चक्कर में घर ही घर का अपना कर रहे हैं प्रोग्राम। कितनी कितनी मुश्किल है इस बार गणेश जी गणपति पूजा करने में? बहुत है, कि मार्केट से माल ना अपना लेके आ सकते हैं, ना हम कहीं जाने की सोचेंगे कि कुछ ना हो जाए,